तो ये कुछ पांच फोन्स आपको दिख रहे होंगे, मतलब हैं भी पांच ही, लेकिन ऐसे 200 फोन हैं जिनसे कॉम्पीट करके ये यहां तक पहुंचे हैं। और जब ये इतने से ही फोन उतने सारे फोन से कॉम्पीट करके पहुंचते हैं, मतलब डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि इनको बहुत सारे क्राइटेरियाज का सामना करना पड़ा होगा। और उनमें सबसे पहला है 5G कनेक्टिविटी। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, मिनिमम 6GB ऑफ रैम, एक प्रीमियम डिजाइन और मिनिमम 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स एंड ऑब्वियसली एक पावरफुल सा प्रोसेसर। तो इतने सारे पड़ाव पार करने के बाद ये जो फोन है वो आपके सामने हैं। इनमें आपको बेस्ट लुकिंग फोन, बेस्ट डिस्प्ले फोन, बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट गेमिंग फोन, बेस्ट ऑलराउंडर फोन, सारी कैटेगरीज फुलफिल होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो सारा सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब भी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला और बहुत ज्यादा बेस्ट Realme GT2। अब ये जो फोन है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने के साथ साथ ही बहुत ज्यादा अंडररेटेड भी है। और ये अपने साथ पेपर बैग को लेके आता है, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, फटने वाला पेपर नहीं, ये अलग टाइप का पेपर है जो रिसाइकलेबल मटेरियल से बना है। और इसी के साथ 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 888, LPDDR5, UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, मतलब एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने निकल के आ रहा है। और इतनी सारी चीजें अच्छी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें अच्छी हैं। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, इसी के साथ ही आपको प्री इंस्टॉल्ड ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब Realme और Redmi के साथ हमेशा कहा जाता है कि भाई उनको अपने नॉर्मल फोन और फ्लैगशिप फोन के साथ थोड़ा सा ऐसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, बट नहीं करते हैं। गलत बात Realme बेटा, मस्ते नहीं। और इसके साथ इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो इतना ज्यादा अच्छा आपको नहीं देखने को मिलता। 8GB 128GB के लिए इसकी जो प्राइस है वो है 29,999 रुपीज। डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा IQOO Neo 6 रिसेंटली लॉन्च हुआ था। यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ स्नैपड्रैगन 870 LPDDR5 UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज, HDR10 प्लस और 80 वोट की चार्जिंग, ऐसी बहुत सारी स्पेशल चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ कैमरा में OIS भी है और 90 हर्ट्ज़ BGMI में आपको बहुत जल्दी इसके साथ देखने को मिल जाएगा। और ये फोन अपने साथ IR ब्लास्टर को भी लेके आता है, मतलब अब सिर्फ Xiaomi ही नहीं ये भी प्रोवाइड करने लगे हैं। और कमियों की बात करें तो कुछ प्री इंस्टॉल्ड ब्लूटूथ आपको इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ 2 MP का मैक्रो सेंसर है, मतलब इस चीज का कोई तुक बनता है 30,000 में। और इसी के साथ इसकी 8GB 128GB की प्राइस है 29,999 रुपीज। तो ये फोन है वो एक ऑलराउंडर फोन है, इसको भी आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो अगर आपको IQOO का UI वगैरह सारी चीजें पसंद आती है तो। और जो तीसरा है वो है Samsung Galaxy A52s 5G। ये भी मुझे बिल्कुल ऑलराउंडर सा फोन लगता है, जहां पे आपको सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज आगे और पीछे दोनों तरफ से आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो कैमरा से। और इसी के साथ आपको देखने को मिल जाता है एक प्रीमियम सा बैग, ऑल्दो एक प्लास्टिक बैग है, इसको हम कौन से में काउंट कर लेंगे। और इसी के साथ आपको एंड्रॉइड सिस्टम का सबसे बेस्ट वन UI देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिलता है जो काफी ऑलराउंडर से पावर आपको निकाल के देता है। OIS आपको इसके साथ देखने को मिलता है और IP67 रेटेड भी है ये फोन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो आपको फ्लैगशिप में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्लैगशिप किलर कह देंगे इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट 30,000 की प्राइस रेंज में सैमसंग या किसी ब्रांड के पास इतनी अच्छी ऑफरिंग नहीं है कि भाई OIS भी दे दिया जाए, IP रेटिंग्स भी दे दी जाए और 3-3, 4-4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट भी दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती सभी ब्रांड से। और कॉन्स की बात करें तो एक तो पॉलीकार्बोनेट बैक है और दूसरा जो है वो है 15 वोल्ट का चार्जर, सपोर्ट 25 को करता है लेकिन बॉक्स में आपको सिर्फ 15 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 8GB 128GB के लिए 29,499 रुपीस। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है OnePlus Note 2। ये वही फोन है जिसने कुछ टाइम पहले बहुत कमाल की दहशत मचा रखी थी अपने ब्लास्ट वाले सीन्स को लेके। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, Dimensity 1200 है, ऑक्सीजन OS है, OnePlus जैसी ब्रांडिंग भी है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने को है ब्रांडिंग, बट स्टिल अभी के लिए तो थोड़ी बहुत बची हुई है। इसी के साथ UFS 3.1 है कमाल के, हैप्टिक्स भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाते हैं और इसका जो लुक है वो भी बहुत ही कमाल का, और अलर्ट स्लाइडर भी आपको देखने को मिलता है। और 4500 mAh के साथ आपको 65 वोट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और बात करें कमियों की तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो आउटडोर में प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। और इसके साथ 90 हर्ट्ज है तो आपको थोड़ी सी स्मूथनेस में भी कमी देखने को मिलेगी। और HDR10 प्लस आप स्ट्रीम नहीं कर सकते, मतलब HDR वो सर्टिफिकेशन OnePlus ने नहीं ले रखा है। लेकिन इस फोन की जो प्राइस है वो आपको 30,000 के अंडर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप OnePlus में इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा ऑक्सीजन OS वाला तड़का आपको अभी भी चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब दैट।
और जो लास्ट फिफ्थ नंबर का फोन है वो है मोटो S30। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। यहाँ पे आपको 6.7 mm की थिकनेस देखने को मिलती है और इसकी खास चीज यही है कि स्लिमेस्ट 5G फोन है। यहाँ पे आपको पीओले डिस्प्ले देखने को मिलती है, बेजल्स वगैरह भी बहुत ही कम है। स्नैपड्रैगन 778G प्लस है, प्लस मतलब थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड है। और इसी के साथ आपको स्टोक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है। और परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए LPDDR5 और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज भी है। लेकिन पतलेपन को मेंटेन करने के लिए बैटरी जो है वो बहुत ही छोटी है, 4020 mAh की। और इसी के साथ चार्जिंग भी थोड़ी कम है, 33 वोल्ट की। आई थिंक मैंने जितने भी फोन बताए ना उनमें सबसे कम चार्जिंग इसी के अंदर देखने को मिलती है और सबसे छोटी बैटरी भी। तो इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम होगा ना वो 5 घंटे से 6 घंटे के बीच में देखने को मिलेगा। मतलब किसी अच्छी चीज को पाने के लिए ना यहाँ पे बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे और वो डेफिनेटली आपको देखने को मिल ही रहा है। और दूसरा जो है वो है कैमरा को लेके। ये इतनी इनकंसिस्टेंट कैमरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कि थोड़ी सी लाइट चेंज होने के बाद पूरा का पूरा रिजल्ट ही चेंज करता है, क्योंकि मैंने इसको चेक करा हुआ है। और जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करा है उसमें भी इश्यूज हैं, उसको भी इंप्रूव करना जरूरी है। तो ये कुछ 5 फोन हैं जो मुझे लगता है कि 25 से लेके 30,000 के बीच में बहुत ही कमाल की वैल्यू देते हैं। बाकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्टली जाके आप बाय कर सकते हो। बाकी आपका फेवरेट कौन सा है नीचे लिख के बताना, बिल्कुल भी मत भूलना, या फिर आपको फेवरेट हमने मिस कर दिया है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।